Hey everyone, so welcome back into the Java series. So last video में हमने encapsulation के लिए हमने unit 1 start किया था. तो unit 1 में हमारे पास चार major topic थे. तो पहला हमने data heading बहुत अच्छे से cover किया, with example हमने देखा data heading को हमने समझा, है ना. अब हम next start करेंगे abstraction, ठीक है. तो abstraction is the one of those four fundamental oops feature. और वो फोर फंडामेंटल फीचर कौन कौन से हैं? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन. तो अभी तक इनकैप्सुलेशन तो हमने नहीं देखा था, लेकिन इससे रिलेटेड हमने डेटा हेडिंग अभी देख ली है. इनकैप्सुलेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. तो अभी हम समझेंगे अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इस फीचर के होने का फायदा क्या है हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट में, एंड इसको अचीव कैसे कर सकते हैं. अब्स्ट्रैक्शन हमें अगर अप्लाई करना है तो कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है. तो कुछ डिफिनेशंस वगैरह हम देख लेते हैं अपने नोट्स में. थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड हियर वी गो और द सेकेंड टॉपिक अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. ओके, अब्स्ट्रैक्शन का अगर देखें, नाम हमें सुना लग रहा है, क्योंकि लास्ट फ्यू वीडियोज में हमने जब एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़ा था, यानी डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, है ना. तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ही अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का एक वे हो सकता है. एंड इंटरफेस हमने पढ़ा था, करीब 2 घंटे की हमने वीडियो ली थी, लेक्चर ली थी इंटरफेस के अबाउट में. तो इंटरफेस पे हमने काफी टाइम दिया था. इंटरफेस में भी सारी चीजें अब्स्ट्रैक्शन के बेसिस पे ही हो रही थी, है ना. तो ये सारी चीजें फैमिलियर लगेंगी जब हम अब्स्ट्रैक्शन आगे बढ़ेंगे, अब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ईजी लगेंगी अगर आपने पीछे वीडियो देख लिया. अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप स्टार्टिंग से आप सारी वीडियोस देख लो. अगर आप स्टार्टिंग से भी वीडियो नहीं देखना चाहते हो, फिर भी अगर आप ये वीडियो देखने आए हो अब्स्ट्रैक्शन, तो उससे पहले आप एक बार डिक्लेरेशन एक्सेस मॉडिफायर के सेक्शन में जाके वहां पे अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देख लो एंड इंटरफेस के वीडियोस देख लो, ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो अब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज दैट व्हाट वी आर ऑफरिंग एज अ कांसेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन. मतलब पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था डेटा हाइडिंग में, हम वहां कंप्लीट डेटा हाइड कर रहे थे, डेटा मेंबर को हाइड कर रहे थे, ठीक है. डेटा मेंबर में जो भी वैल्यू आ रही थी, जो भी हमारी वैल्यू होती थी, वो सारी वैल्यू हम हाइड कर रहे थे. वही डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट था विद हेल्प ऑफ प्राइवेट. लेकिन अब्स्ट्रैक्शन में है कि हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन. जहां इंप्लीमेंटेशन ही कैसे बना है वो हमें नहीं पता है, कैसे बनाया हमें नहीं पता है. लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप को बनाया कैसे गया है ये हमें नहीं पता. तो यहां पे अब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज किया गया, अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया गया है कि हमको नहीं पता कि अब इसमें क्या, ये कैसे बनाया गया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये मुझे पता है. तो दैट इज रिटन इन द डेफिनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्शन कि हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेस. अब लैपटॉप, जैसे मैं इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, तो ये लैपटॉप को कैसे बनाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन लैपटॉप में कुछ सर्विसेज दे दी गई हैं. जैसे मैं यहां अगर एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं, एमएस वर्ड में मैंने एक नोट्स बनाया हुआ, तो ये एमएस वर्ड क्या एक सर्विस दे दी गई है. अब उस सर्विस को मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे इंस्टॉल हुई है. उसमें इंस्टॉल तो मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जिस डिवाइस पे इंस्टॉल हुई है डिवाइस कैसे बना है, ठीक है. तो यहां इंप्लीमेंटेशन हाइड हो गया, इस लैपटॉप की इंप्लीमेंटेशन हाइड कर दी गई है. तो यही कह रहा है कि किसी चीज की अगर इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया जाए और सेट ऑफ सर्विस ही ऑफर कर दिया जाए जो रिक्वायर है कस्टमर को, जो क्लाइंट को रिक्वायर है वो ऑफर कर दिया जाए, वही अब्स्ट्रैक्शन है. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक हम सिनेरियो लेते हैं, लाइक एटीएम में हम जाते हैं, तो एटीएम में अंदर कितने पैसे हैं, एटीएम में पैसे कैसे हमें ऑफर को रिफर हो रहा है, कैसे हमें पैसे मिल रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, वो हमें कुछ नहीं पता. वहां सेट ऑफ सर्विसेज दे दी गई थी कि आपको विदड्रॉ करना है, बैंक बैलेंस चेक करना है, नंबर चेंज करना है, वट एवर इज देयर, राइट. तो कुछ भी रहता है उधर, जो सेट ऑफ सर्विसेज हैं वो दे दी गई हैं, फिक्स कर दी गई कि आप वो सर्विस यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इसके इंप्लीमेंटेशन से कुछ लेना देना नहीं है कि इंप्लीमेंट कैसे होगा, राइट. तो ये सीन है. तो यहां पर ये दिया गया थ्रू बैंक एटीएम GUI स्क्रीन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्क्रीन दिया होता है. लाइक बैंक पीपल आर हाईलाइटेड द सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट दे आर ऑफरिंग विदाउट नोइंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, राइट. लाइक बैंक में हम जाते हैं, अगर बैंक में अगर हमें पैसे निकालने होते हैं, तो पैसे किस प्रोसेस से निकाल रहे हैं हमें नहीं पता, हमें तो पैसे चाहिए, हमें पैसे मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन, क्लियर है. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी ऑफकोर्स,
सिक्योरिटी यहाँ पे जहां भी इंटरनल डेटा हाइड हो रही है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हाइड हो रहा है, मतलब लोगों के लोगों तक नहीं पहुंच रहा, मतलब वो सिक्योर है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे आ गई. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट इनटू द सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, इनटू द यूनिट ऑफ सिक्योरिटी, राइट. इनहेंसमेंट इज इजी, इनहेंसमेंट इजी हो जाता है. अब इनहेंसमेंट कैसे इजी हो जाता है, ये अभी एग्जांपल जब हम देंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि इनहेंसमेंट कैसे इजी हो जाता है. मेंटेनेंस इज ऑल्सो इजी, ये मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है जब अभी एग्जांपल हम देखेंगे. तो ये दो पॉइंट हमने जो यहाँ पे नोट डाउन किया है ना, इनहेंसमेंट इज इजी एंड मेंटेनेंस इज इजी, ये क्लियर हो जाएगा. अब हमने अब्स्ट्रैक्शन समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, लेकिन अब हमको ये जानना है कि अब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कैसे कर सकते हैं. कहीं अगर हमें अब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करना है अपने जावा कोड में तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. बाय यूजिंग इंटरफेस, मैंने कहा था ना इंटरफेस की वीडियो आपको देखनी जरूरी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो इंटरफेस मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई है पूरी इंटरफेस, उसमें हमने कवर करी है, इंटरफेस आप अच्छे से देख सकते हो वहां पे. तो इंटरफेस, बाय यूजिंग इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वी कैन इंप्लीमेंट अब्स्ट्रैक्शन. By using interface or या and abstract classes, we can implement abstraction. That is what abstraction. Abstraction क्या है हमने देखा, and abstraction को कैसे apply करना है ये भी हमने देखा. अब एक छोटा सा example लेते हैं, तो example के लिए मैं अपने file में आ जाता हूँ test.java में, and यहाँ पे मैं एक class बनाता हूँ, class क्या ले, क्लास क्लास समथिंग क्रिएटिव आइडिया कुछ, या क्लास स्टूडेंट के ऊपर ले लेते हैं कुछ समथिंग. ओके, हमने एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना लिया. ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा था कि अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए या तो इंटरफेस या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की का यूज करना पड़ेगा, है ना. तो इंटरफेस तो हमने बनाया नहीं, यहाँ पे क्लास बनाया, तो जब क्लास बनाया तो यहाँ पे या तो हमें अब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा. अब्स्ट्रैक्ट लगा लिया हमने. अब अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की क्या फीचर है, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें जानने जरूरी है, ये आपको देखने पड़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में. मैं यहाँ पे रिव्यू फिर से यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि डीप हो जाएगा वीडियो, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ. मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक बार जरूर जाके वहां पर देखो, मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, आप वहां से देख सकते हो. ओके ओके, सो यहां पे हमने क्लासेस ले लिया, स्टूडेंट नाम का हमने क्लास ले लिया जो कि किस टाइप का, अब्स्ट्रैक्ट टाइप का, दैट्स इट. ओके, अच्छा अब यहां मोटा मोटा मैं बता देता हूं, अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का है, अगर क्लास के आगे हम अब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं यानी उसके अंदर हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड हमारे अब्स्ट्रैक्ट टाइप हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, या फिर अगर हम इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं तो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड हो रहे होते हैं, जितने भी मेथड हम बना रहे होते हैं, वो सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट टाइप के हो जाते हैं. अब बहुत से लोगों, अगर आपने अगर अब्स्ट्रैक्ट टाइप अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं देखा होगा, तो मैं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट मेथड कह रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड कह रहा हूँ, वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा. तो प्लीज मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस की वीडियो देख लो आप जाके. ओके ओके, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो देख ली, आपको नॉलेज है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इंटरफेस की, राइट. ओके फाइन, सो यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकता है. तो मैं यहाँ पे एक मेथड की डिफिनेशन दे रहा हूं, अब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेक्स ऑफ स्टूडेंट, सेक्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या सेक्स है. अब सिर्फ डेफिनेशन देना होता है तो हम यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं, एज वी नो दैट इन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है, ओनली डिफाइंड, not implemented, right? we have seen this before, right? okay, अब हमने student का student नाम का एक class लिया जो कि abstract type है. अगर abstract type है तो हमें यहाँ पे जितने भी method हमें यहाँ पे define करने हैं वो सारे के सारे हमें abstract type के method define करने होंगे. अब abstract type के method का क्या कहता है, abstract type का method ये कहता है कि आप जो है सिर्फ define करो, implementation की चिंता मत करो, implementation यहाँ पे hide हो गई, यहाँ पे implementation क्या हो गई, hide हो गई, हाइड हो गई ना. मतलब यहाँ पे इसके अंदर, इस वाले मेथड के अंदर क्या है, सेक्स ऑफ स्टूडेंट क्या है हमें नहीं पता, मेल है या फीमेल हमें नहीं पता. अब इसका काम क्या होता है, अब जब हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा तो हमने देखा था जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करने का काम चाइल्ड क्लासेस करते हैं. अब यहाँ पे हम एक चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे, क्लास बॉय, क्लास बॉय, राइट.
क्लास बॉय एंड एक्सटेंड कर देते हैं। किसको एक्सटेंड करेंगे? इस स्टूडेंट क्लास को। और जैसे हमने स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करते ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस वाले मेथड को हम इम्प्लीमेंटेशन दें, एक इम्प्लीमेंटेशन दें, इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है देन या अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट वाइड एंड सेक्स ऑफ स्टूडेंट, मेथड लगा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया एंड इसके अंदर आते हैं हम, इसमें कुछ प्रिंट कर देते हैं सॉर्ट एंड प्रिंट करते हैं मेल आई एम या माय सेक्स इज मेल। दैट्स इट ना? इट्स नॉट दैट्स इट एक्चुअली, वी हैव डिक्लेयर्ड योर अब्स्ट्रैक्ट अगेन, तो ये अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होगा। आप पब्लिक लगा सकते हो। ओके ओके, यहाँ पे भी पब्लिक लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो मेथड था, सेक्स ऑफ स्टूडेंट नेम मेथड नेम था, उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। किसने इम्प्लीमेंटेशन दिया? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास कौन है? बॉय। क्यों चाइल्ड क्लास है? क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट को। ये एक्सटेंड कीवर्ड है जो हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, तो नो प्रॉब्लम। वैसे भी हमने इसे देख लिया, ऑलरेडी देख लिया, काफी एक्सप्लेनेशन हम इस पे कर चुके हैं, काफी टॉपिक काफी बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, सेम एज इट इज। अब अगर सपोज एक और क्लास मैंने बनाया, गर्ल, गर्ल नेम से क्लास बनाया, एक्सटेंड स्टूडेंट को फिर से मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब जैसे एक्सटेंड किया वैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इस वाले अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दे। अब ये इसको इम्प्लीमेंटेशन देगा, तो सेक्स ऑफ स्टूडेंट मेथड मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरराइड हो रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ओवरराइड का नोटेशन दे सकते हो, बट नो प्रॉब्लम, दो या ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सेक्स ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? गर्ल, फीमेल, क्योंकि ये क्लास का नाम क्या है? गर्ल, राइट। यहाँ पे फीमेल, सो माय सेक्स इज फीमेल, दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, ये देखते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट टाइप का हमने क्लास लिया जिसका नाम है स्टूडेंट। अब जैसे ही मैंने अब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्लास लिया तो मेरे दिमाग में होना चाहिए, तो या तो मैं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ रहा हूँ, या तो यहाँ पे मैं अब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहा हूँ या अब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो इंटरफेस से कर सकते हैं या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाए, और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो भी मेथड होंगे वो अब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड होंगे। अब अब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड क्या कहते हैं कि उसकी सिर्फ आप डेफिनेशन लिखो, इंप्लीमेंटेशन हाइड कर दो। इंप्लीमेंटेशन किस पे छोड़ दो? चाइल्ड क्लासेस पे छोड़ दो। अब यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन हमने लिख दी अब्स्ट्रैक्ट सेक्स ऑफ स्टूडेंट। अब कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल है? वी डोंट नो। यहाँ इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ, मेल है या फीमेल, ये हमें नहीं पता, तो ये हाइड हो गई है ना। अब जैसे ही यहाँ पे बॉय आया, एक सेंस बना कि ये मेल है, हमने यहाँ पे इसे ओवरराइड करके इसके उसको ओवरराइड करके हमने यहाँ पे माय सेक्स इज मेल लिख दिया, सिंपल। और जैसे ही यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही हमने यहाँ बॉय को एक्सटेंड किया स्टूडेंट से, वैसे ही बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इस वाले अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करे। We have seen this before, right? No problem. Okay. So again, मैं चाहता हूं एक और आया यहाँ पे, गर्ल नेम की एक क्लास आई। अब जैसे ही गर्ल आया, हमारे अंदर एक सेंस बना कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है, ये गर्ल टाइप की जो स्टूडेंट है, इसका सेक्स फीमेल है, राइट? इसका सेक्स फीमेल है ना। तो यहां पे आप देखोगे, यहां मेंटेनेंस बढ़ गई, मेंटेनेंस इजी हो गई। क्यों? क्योंकि ये बॉय का अलग कैटेगरी हो गया, गर्ल की अलग कैटेगरी हो गई, मेंटेनेंस इजी हो गई। जो हमने लास्ट टू पॉइंट देखा था मेंटेनेंस, वो इजी हो गई ना। यहां देखोगे मेंटेनेंस इजी हो गई, अब इनहेंसमेंट भी इजी हो गई, है ना। इनहेंसमेंट कैसे इजी हो गई? क्योंकि यहां पे इंप्लीमेंटेशन दिया ही नहीं है। अब स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं है यहां पे कि इसको इंप्लीमेंट करे।
अब ये इनहेंस हो इसलिए हो गया क्योंकि अब जैसे ही बॉय कोई स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा, वैसे ही बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसको आप ओवरराइड करो, ओवरराइड करके आप इसे इंप्लीमेंट करो, अभी बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस स्टूडेंट क्लास की इनहेंसमेंट तो बढ़ गई, इनहेंस हो गया, ये काम कम हो गया, इनहेंस हो गया, है ना, काम कम हो गया, इनहेंस हो गया, इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, चाइल्ड क्लास में जो इसको एक्सटेंड कर रहा होगा, भाई अब तुम जानो, मैंने तो दे दिया है डेफिनेशन, दे दिया, बाकी तुम इंप्लीमेंट करो अपने हिसाब से, दैट्स इट। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं अच्छे से, है ना, या एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इस बार पिछली बार हमने एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से हमने एब्स्ट्रैक्शन को एस्टैब्लिश किया था, एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को हमने इंप्लीमेंट किया था। अब हम इंटरफेस की हेल्प से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, एक बाय यूजिंग इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वी कैन इंप्लीमेंट अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन फीचर ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम एक इंटरफेस लेंगे। अब जिन्होंने इंटरफेस नहीं पढ़ा उनको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को, इस एग्जाम्पल को समझने में प्रॉब्लम होगी, तो एक बार फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लीज जाके इंटरफेस की वीडियो देख लें, राइट। ओके, मैंने यहाँ पे इंटरफेस लिया। अब इंटरफेस का नेम हम यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं एनिमल, या एनिमल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, एनिमल ले लिया। ओके ओके, सो नाउ इन दिस इंटरफेस, अगर आपने इंटरफेस आपने पढ़ा है तो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी मेथड है वो 100%, इंटरफेस को एक्चुअली हम कहते भी हैं 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेथड लो वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कोई भी मेथड लोगे वो मेथड अब्स्ट्रैक्ट होगा, उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, डेफिनेशन होगी सिर्फ। सिंपली सपोज अगर मैंने कोई मेथड लिया यहाँ पे टोटल लेग्स, टोटल लेग्स लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वेदर वी डिफाइन हियर और नॉट। मैंने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लिखा भी नहीं, मैं चाहूँ यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लिख दूँ, अब्स्ट्रैक्ट लिखा भी नहीं, मैं चाहूँ यहाँ पे पब्लिक लिख दूँ, पब्लिक नहीं भी लिखा, तो भी अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक होने हैं। ये दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी मेथड है वो मेथड बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक टाइप होते हैं, बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक टाइप होते हैं, अगर हम उसे डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप होगा बाय डिफॉल्ट, पब्लिक टाइप होगा बाय डिफॉल्ट, इसे हम लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आए। तो यहां पे मैं चाहूं लिख दूं या रहने दूं, ये बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे, इट इज बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट की कहानी क्या है वो तो हमें पता ही है, कि एब्स्ट्रैक्ट की कहानी की उसकी जो भी चाइल्ड क्लासेस, उस पेरेंट, उसके पेरेंट की जो भी चाइल्ड क्लासेस होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया मुझे इम्प्लीमेंटेशन दो, इम्प्लीमेंटेशन दो। अब मैंने यहाँ इंटरफेस लिया है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, क्लास एलिफेंट, एलिफेंट क्लास एलिफेंट, एंड इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट्स एनिमल को। अब इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा, बेसिक है ये, वैसे हमने पढ़ भी लिया होगा, ये सारी चीज हमने पढ़ ली है, ठीक है। इम्प्लीमेंट किया, अब जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया वैसे ही इस एलिफेंट यानी जो चाइल्ड क्लास है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वाले इंटरफेस के मेथड्स को हम ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन दें, इम्प्लीमेंटेशन दें, तो हम इसे इम्प्लीमेंटेशन देंगे। या पब्लिक वाइड एंड टोटल लेग, टोटल लेग्स, या दैट्स इट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हमने यहां पे बाय डिफॉल्ट, अगर हमने यहां पे नहीं अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक नहीं लगाया, तो यहां इट इज बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, इट इज फॉर श्योर, राइट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि यहाँ तो हमने नहीं लगाया,
पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट तो नहीं लगाया, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस है। लेकिन जब हम क्लास, कोई क्लास बना रहे हैं और उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं हम पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर इंटरफेस को, तो एक्सटेंड करते या इंप्लीमेंट करते टाइम जब हम ओवरराइड करेंगे इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ओवरराइड करेंगे, तो ये कंपलसरी है पब्लिक लगाना यहाँ। अब्स्ट्रैक्ट तो नहीं लगे कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एक ही बार डिफाइन होता है, यहाँ पब्लिक लगाना ये कंपलसरी हो जाएगा, वरना हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया पब्लिक, पब्लिक वॉइड टोटल लेक्स, एंड इन दिस या वी विल गिव ए मैसेज, समथिंग मैसेज लाइक एलिफेंट हैज फोर लेग्स, राइट? क्लियर है? ओके, सपोज एक और क्लास हमने लिया, क्लास कैट, इंप्लीमेंट्स एनिमल, या एनिमल इंटरफेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, या ओके, अगेन फिर से हम ओवरराइड करना पड़ेगा, हम फिर से ओवरराइड करेंगे, राइट? ओवरराइड करने के बाद यहां हम अपना इंप्लीमेंटेशन दे देंगे, लाइक कैट हैज फोर लेग्स, Isn't it? Isn't it? Right? Clear है ना? तो इस तरीके से हमने इसे अचीव किया, है ना? तो ये है हमारा अब्स्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इंटरफेस से कर सकते हैं, या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से कर सकते हैं, दोनों प्रॉब्लम इजी कर सकते हैं, राइट? अब इसे अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो भी कर लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पे क्लास लिया, उसके अंदर हमने टेस्ट लिया, क्लास का नाम टेस्ट ले लिया, इसके अंदर एक मेन मेथड बनाया, एंड यहाँ पे मैं किसी का भी यहाँ पे किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक्सेस करके करने के लिए, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, एंड देन न्यू कीवर्ड की हेल्प से इस पर्टिकुलर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सारे मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, सो ये तरीका था, no compile time error, elephant has four legs, we can see here, right? तो elephant has four legs, यहाँ पे elephant has four legs में हमें total legs को call किया। अब total legs method कहाँ defined हुआ है? total legs method यहाँ defined हुआ, मतलब यहाँ total security है, इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। अब total legs किसका legs पूछा जा रहा है मुझे नहीं पता, यहाँ total security है, maintenance है। मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल लेग्स, यहाँ पे एलिफेंट की टोटल लेग्स यहाँ पे निकाली गई है, यहाँ पे कैट की अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टोटल लेग्स का ओवरराइड करके यूज किया गया, इंप्लीमेंटेशन दिया गया है, यहाँ मेंटेनेंस है। इनहेंसमेंट इसलिए है कि ये यहाँ पे टोटल लेग्स को कॉल किया गया, तो टोटल लेग्स में सिर्फ यहाँ पे डिफिनेशन है, बाकी इंप्लीमेंटेशन तो चाइल्ड क्लासेस करेंगे, वी डोंट नो हाउ दे डू, वी डोंट केयर, तुम्हें करना है तो करना है। दैट्स हाउ द अब्स्ट्रैक्शन can be implemented in the Java code. तो होप सो अब्स्ट्रैक्शन आपको समझ में आएगा, हमने दो एग्जाम्पल लिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए, एंड डेफिनेशन भी हमने अच्छे से लिया, तो अब्स्ट्रैक्शन भी मे बी क्लियर हो गया हो। इसमें कोई भी अगर डाउट हो रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, वी विल क्लियर इट आउट इन टू द नेक्स्ट वीडियो, राइट? ओके, सो बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मैं बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो या नहीं, कभी नहीं बोला मैं, लेकिन फिर भी प्लीज कर दिया करो, आई वॉन्ट यू सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता ना, लाइक तो प्लीज सपोर्ट कर दिया करो, प्लीज। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।